एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन बॉस पेटी ब्लॉगर। सो आज मेरी मम्मी बनाने जा रही हैं दम आलू और बाजरे की रोटी। सो अभी देखते हैं कहां तक पहुंच गई है। ओके, प्रिपरेशन। तो फिर सबसे पहले ये आलू छील लिए गए हैं और इनमें मम्मी ने धुल लिया है। अब मम्मी सिल पर इनको पीसने वाली हैं। इनको इस तरीके से तोड़ा गया है, देन इसको रख लेते हैं। मसाला जो कि अब मम्मी पीसेंगी इसको, ये खड़ा मसाला है, इसे अब सिल पर पीसा जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये दो बड़ी इलायची हैं। ओके, ये दो बड़ी इलायची हैं और ये दो छोटी इलायची हैं। ये दो छोटी इलायची, इसको जावित्री बोलते हैं। इसको जावित्री बोलते हैं। और ये चार लौंग हैं। ये चार लौंग हैं। इसको दालचीनी बोलते हैं। इसको दालचीनी बोलते हैं। बस इतना मैं अभी पीसूंगी और बाद बाकी मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। इतना पीसा जाएगा और बाकी चीज़ को मिक्सी में ग्राइंड किया जाएगा। ठीक है, लहसुन प्याज और मिर्च। लहसुन प्याज मिर्च के साथ। ओके, इसको मैं पीसती हूँ। वाओ, बहुत ही अच्छी स्मेल आने लगी है मसाले की। सो ये मसाला कंप्लीट होने को है। ये मसाला रेडी हो चुका है। और ये है प्याज, लहसुन, मिर्ची ग्राइंड करने के लिए। बाकी ये टमाटर ऑलरेडी ग्राइंड हो चुका है और ये मसाला तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और ये भी कंप्लीट हो चुका है। सो ये है धनिया, इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो गाइस, इसमें धनिया और हल्दी मिक्स है और ये थोड़ी सी रेड चिली, इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाएगा और इसको मिक्स किया जाएगा। गार्निश के लिए ये लहसुन प्याज वगैरह को भूना जा रहा है और इसमें नमक स्वाद अनुसार। आलू की सब्जी रेडी है, पक चुकी है। ये आलू भी डल गए थे। एंड गाइस, ये सब्जी रेडी है। ओके, मैं बंद करने आई हूँ। सो गाइज, अब ये
चूल्हा रेडी है रोटी सेकने के लिए और ये मम्मी ने इसके ऊपर तवा रख दिया है। एंड गाइस ये मेरे गार्ड अंकल हैं जो कि आटा गूंथने में मम्मी की हेल्प कर रहे हैं और ये आटा रेडी हो चुका है। रेडी हो चुका है ना? तो ये मम्मी ने रोटी बनाना शुरू कर दिया है। ये रोटी बन चुकी है। अब इसको तवे पर डाला जाएगा। तो ये रोटियां बन रही हैं। सो गाइस अभी हमारी रोटियां बनके कंप्लीट हो गई हैं एंड ये अब मम्मी सर्व कर रही हैं। सो गाइस ये बाजरे की रोटी और इसके साथ है लहसुन का अचार और ये दम आलू की सब्जी। ये आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा ब्लॉग भी। So guys, if you like this video, you can subscribe my channel. Thank you.